الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أميدة صغيرات خرافية عمري. الله كريم كي يقين الإنسان فرد इतनी नेमतें हैं कि जिसका इंसान तफज भी नहीं कर सकता, बस हमें उस पर तवज्जो कम जाती है, हमें तवज्जो करनी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो क्या बयान करते हैं कि एक शख्स था, उसको अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा, तो उस पर अल्लाह का बहुत शुक्र दिया था। अचानक कोई ऐसे हालात बने कि उसका सारा माल है वो उससे जाता रहा, हालात ऐसे ख़राब हो गए कि उसके पास ज़्यादा दौलत का सिलसिला नहीं रहा, कंगाल हो गया, मानों में कह सकते हैं महल से सड़क पे आ गया। वो उस पर भी अल्लाह का शुक्र कर रहा, शुक्र करता जा रहा उस हालत में। तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम इस हालत में अल्लाह का शुक्र कर रहे हो, समझ नहीं आ रही, दौलत में ऐश इशरत में तो अल्लाह का शुक्र करते थे, उसकी समझ आती थी, इस हालत में तुम शुक्र कर रहे हो क्या? उनको कहा मैं उन नेमतों का शुक्र कर रहा हूँ कि जिनको दुनिया सारी की दौलत दे के भी ख़रीदा नहीं जा सकता। कहा वो क्या? कहा मेरी आँख। किसी अंधे से पूछो कि उसके पास दुनिया का जितना भी माल है क्या वो सब दे के एक आँख वापस ले सकता है? मेरी सेहत, मेरी सांस के रवान, अल्लाह ने मुझे दौलत ईमान दी है, अगर मेरे आज़ाद जिस्म है, मैं इन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करते हैं, जैसे अल्लाह ताला का शुक्र करने से हुज़ूर अलैहिस्सलाम सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को नेमत दी और उस नेमत पर शुक्र की तौफीक अदा करवा दी, हुज़ूर फरमाते हैं कि वो नेमत के इजाफे से कर महरूम होने लगा। यानी अल्लाह ताला ने अगर किसी को नेमत दी और उसके साथ उस नेमत पर अल्लाह ताला ने इंसान को शुक्र की तौफीक अदा करवा दी, तो वो नेमत इंसान के लिए बढ़ती चली जाएगी। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया इन शक्कर तुम अभी बन ना तुम, तो मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और अदा करूँगा। तो इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हें नेमत मिले तुम उस पर शुक्र करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी उस नेमत में इजाफा करता है। शुक्र का एक बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह का शुक्र कैसे करना है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह आप फरमाते हैं कि इंसान अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हो तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि तुम जिस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हो, अल्लाह ताला तुम्हें जो नेमत दे उस नेमत से कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो। ये शुक्र का बेहतरीन तरीका है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ज़ुबान से शुक्र अदा करना, इस अंदाज़ में शुक्र अदा करना, इसकी भी बहुत फजीलत है। लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे आला सूरत जिस तरह लिसान से ज़ुबान से शुक्र अदा करना भी है, इसी तरह सबसे आला जो शुक्र की सूरत होगी वो ये होगी कि तुम जिस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाह रहे हो, अल्लाह ताला जो नेमत दे उस नेमत से अल्लाह की नाफरमानी ना करो। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत अता फरमाई है और तुम उस दौलत पर अल्लाह का शुक्र करना चाह रहे हो तो उसका अंदाज़ ये अपनाओ कि उस दौलत के ज़रिए कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो, उस दौलत को गुरबा में तकसीम करो, जहाँ अपने पे खर्च करो, अपने घर वालों पर खर्च करो ज़रूर करो, वहीं अल्लाह के गरीब बंदों पर भी उस दौलत को खर्च करो, उस दौलत से लोगों के लिए खैर का बायस बनो, उस दौलत से लोगों की मदद करो, उस दौलत से जिनके पास खाने को नहीं है उनको खाने को दो, जिनके पास पहनने को नहीं है उनको पहनने को दो, जिनके पास रहने को छत नहीं है उनको रहने के लिए छत मुहैया करो। इस अंदाज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करो और उस दौलत से कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करो। यानी जो नेमत तुम्हें मिलती है उस नेमत को आगे भी तकसीम करो लेकिन उससे कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करो। यानी उस जो दौलत है उससे जो है शरा कोई गलत काम नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, गलत कामों में मुलव्विस नहीं होना। अगर अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, तुम सेहत पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हो, नाज़रीन हमारे में से बहुत कम लोग हैं जो सेहत पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर हम शुक्र करेंगे तो हम उसको तो कुछ नहीं देंगे। हुज़ूर फरमाते हैं तुम्हारे अपने लिए जिस नेमत पे शुक्र करोगे वो नेमत बढ़ जाएगी। हम अगर शुक्र करेंगे तो जहाँ अल्लाह ताला को याद करेंगे, अल्लाह ताला के शुक्र गुज़ार होंगे, वहीं हम अपने लिए भी उस नेमत में इजाफा करेंगे। हमें चाहिए, कहा ना, फरमाया गया ना कि जब दुनिया के मामले में देखो तो अपने से नीचे वाले को देखो, दीन के मामले में देखो तो अपने से ऊपर वाले को देखो। इससे मुराद क्या है?
कि अगर दुनिया के मामले में देखना है ना, अगर तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो उसको ना देखो जिसके पास 20 रुपए हैं, उसको देखो जिसके पास 15 रुपए हैं। तकब्बुर से नहीं बल्कि उसको देखो कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अगर अल्लाह ताला ने उसको 15 दिए हैं तो तुम्हें 20 दिए हैं। मिसाल के तौर पर अगर तुम साइकिल पर हो तो उसको देख के हसद ना करो जिसके पास गाड़ी है, बल्कि उसको देखो जो पैदल है जिसके पास वो भी नहीं है, और अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें ये दिया है। हसद से कुछ नहीं मिलेगा, जब तुम शुक्र करोगे अल्लाह ताला तुम्हें भी बढ़ के अता फरमा देगा। तो हसद नहीं करना, शुक्र करना। और कहा दीन के मामले में देखो तो अपने से ऊपर वाले को देखो। अगर तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो तो उसको ना देखो कि जो 4 वक्त की पढ़ता है और उसको देख के अपने आप को बड़ा समझो। अगर तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो तो उसको देखो जो तहज्जुद भी पढ़ता है। अगर तुम लोगों के 10 बंदों को खाना खिलाते हो तो उसको देखो जो 100 बंदों को खाना खिलाते हैं, ताकि तुम्हें नेमत में मज़ीद अल्लाह का शुक्र करने में आगे बढ़ने की तौफीक मिले। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे आला सूरत हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शुक्र की ये होगी कि इंसान जो नेमत मिली अल्लाह ताला की तरफ से उस नेमत से अल्लाह की नाफरमानी ना करे। अल्लाह ने सेहत दी है ना, तो इस सेहत से अल्लाह की नाफरमानी नहीं करे। अल्लाह ताला ने मनसब दिया तो उस मनसब से अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करे। जिस चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहते हो ये यकीन बनाओ कि उस चीज़ से अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करोगे, तो ये शुक्र की एक आला सूरत होगी। और ये याद रखिएगा, जब भी इंसान को कुछ मिले ना, ये भी शुक्र की एक बहुत आला सूरत है और बहुत ज़रूरी है कि इंसान ये यकीन रखे कि ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। आज हमें कुछ मिल जाए तो हम सोचते हैं हमने अपनी दौलत से ले लिया, और भाई सोचो दौलत किसने दी? अल्लाह ताला ने दी। अगर हम सोचें भाई दौलत हमने अपनी मेहनत से हासिल कर ली, मेहनत की तौफीक किसने दी? अल्लाह ताला ने दी। हमने अपना जहन लगा के ये काम किया, जहन किसने दिया? अल्लाह ताला ने दिया। हमने अपनी ज़ोर से ये काम किया, ज़ोर किसने दिया? अल्लाह ताला ने दिया। जो भी चीज़ मिलती है उसको ये यकीन करके जान लेना कि मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सच्चा वसीला अल्लाह ताला की ज़ात से अता हुई है, ये शुक्र की एक आला सूरत होगी। जैसे अल्लाह के नबी अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं अल्लाह या करीम, तूने मुझे इतना कुछ अता फरमाया, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूँ? मैं सारी उम्र भी तेरे हुज़ूर सजदा रेज हो जाऊँ तो मैं इतनी तेरी नेमतें हैं मैं उनका शुक्र करूँ तो करूँ कैसे? वो किसी ने कहा है ना कि कीवें अदा करता हक माई अदा बहुत सारा, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करूँ तो किस तरह अदा करूँ? तेरी इतनी नेमतें हैं कि अगर मैं हर सांस तेरी नेमत, हर लम्हा तेरी नेमतें, मैं तो सारी ज़िंदगी भी सजदा करता रहूँ तो मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जिनमें तेरा शुक्र अदा कर सकूँ। तो अल्लाह ताला ने उनको वही फरमाई कि जब किसी ने ये जान लिया ना कि उसको सब कुछ मैंने ही अता फरमाया है, उसके बाद जो कुछ है वो मेरी तरफ से अता है, तो उसने शुक्र अदा कर दिया। तो हर लम्हा हर हर कदम पर हमें यह एहसास होना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हैं ये हमारे रब की अता है और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। तो इंशाअल्लाह नेमतों में इजाफा होता है, और यार अल्लाह करीम हमें इतना अता फरमाता है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है, किस कदर अल्लाह ताला हमसे प्यार फरमाता है। कहना एक गुनाह मेरा माफ़ हो गए थे, देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मौला देखे, पर्दे पावन वाला। अल्लाह ताला जब हमें इतनी मेहरबानियाँ फरमाता है तो हमें अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसके जिक्र में मशगूल रहना चाहिए। आखिरी बात, अब शुक्र के लिए यह भी कहा गया कि जिक्र, अब जिक्र क्या सिर्फ जिक्र बिल लिसान है? नहीं, क्योंकि आप फरमाते हैं कि सबसे पहले जिक्र बिल लिसान, फिर जिक्र बिल कल्ब, फिर जिक्र बिल जवार, यानी इंसान का जिस्म का हिस्सा हिस्सा अल्लाह ताला का जिक्र करें। जैसा हज़रत फरीद अल्लाह ने कहा कि ज़ुबान का जिक्र है कि ज़ुबान किसी को तकलीफ़ ना दे, ज़ुबान से हम किसी को नुकसान ना दें, हमारी ज़ुबान किसी भी इंसान को तकलीफ़ ना दे, किसी भी इंसान को हमारी ज़ुबान से जो है वो तकलीफ़ ना पहुँचे। हम जब बात करें खैर की बात करें, अल्लाह का जिक्र करें, लोगों के लिए खैर की बात करें। कान का जिक्र यह है कि कान किसी के लिए भी बस ना करें, आँख का जिक्र यह है कि आँख बद निगाही ना करे और अल्लाह की कुदरत को देख के गौर व तदब्बुर करे। हाथ का जिक्र यह है कि हाथ किसी इंसान को तकलीफ ना दे, जैसे हुज़ूर ने मुसलमान और मोमिन की पहचान बयान फरमाई ना कि उसके हाथ से हर किसी की जान महफूज होती है, हर किसी का खून महफूज होता है, हर किसी का माल महफूज होता है, हर किसी की इज्जत महफूज होती है। तो हाथ का ये जिक्र है कि हमारे हाथ से किसी इंसान को किसी किस्म की भी तकलीफ न पहुँचे। पाँव का ये जिक्र है कि हम कभी किसी गलत काम की तरफ चल के न जाएँ। तो इस अंदाज में काल से हाल की तरफ आना जो होता है ना, तो हाल से मुराद सिर्फ यह नहीं होता कि वजदार है, हाल से मुराद ये होता है कि अगर हम अल्लाह को सत्तार कह के बुला रहे हैं ना, पर्दे डालने वाला,
तो हम भी लोगों के गुनाहों पे पर्दे डालना शुरू कर दें। अगर हम तक किसी की कोई बुरी बात पहुंचती है, किसी का कोई वीक पॉइंट पहुंचता है, तो हम उसको उछाले नहीं, शोर शराबा ना करें उससे, बल्कि हम उसके गुनाह पे पर्दे डालने की कोशिश करें। अगर हम किसी के गुनाहों पे पर्दे डालने की कोशिश करेंगे और फिर उसको या सत्तार कहेंगे, तो वो फिर काल से हाल की तरफ आना होगा। अगर हम अल्लाह को वहाब कह रहे हैं, वदूद कह रहे हैं, मोहब्बत करने वाला कह रहे हैं, मदद करने वाला कह रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम इंसानों से मोहब्बत करें, हम इंसानों की मदद करें, जिस तरह हो सकता है हम लोगों की मदद करें। जब हम लोगों की मदद करेंगे, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। हम लोगों से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला हम से मोहब्बत फरमाएगा। जब हम अल्लाह को काबिल हाजत करके पुकारते हैं कि या अल्लाह हाजत को पूरा करने वाले, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी इस्तेआत के मुताबिक लोगों की ज़रूरियात को पूरा करें, लोगों की अल्लाह की अता करदा तौफीक के साथ जो हाजत पूरी कर सकते हैं वो करें। जब हम लोगों की ज़रूरियात पूरी करेंगे, अल्लाह ताला हमारी हाजात से पूरा फरमाएगा। ये याद रखिएगा, तरीकत में ये कहा जाता है, तरीकत बजुस खिदमत खल्क में, कि तरीकत की जो राह है ना, तसव्वुफ की जो राह है, ये खिदमत खल्क के बगैर, यानी अल्लाह की मखलूक की खिदमत के बगैर मुमकिन नहीं है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाएँ, अपने वक्त को कीमती बनाएँ, अपना मकसद हयात समझें और अपना मकसद है तख्लीक समझें। सिर्फ दिहाड़ियाँ ना गुजारें दुनिया में, बल्कि अपनी ज़िंदगी को यूज़फुल बनाएं। यूज़फुल कैसे बनाएंगे? जब आप अपनी ज़ात को सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए फ़ायदे का बायस बनाएंगे, दूसरे लोगों के लिए खैर का बायस बनाएंगे, दूसरे लोगों के लिए अपना आप यूज़फुल बनाएंगे, हर एक की मदद करेंगे, तो इससे अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत फरमाएगा और अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में आप शामिल होंगे, दुनिया वालों में भी महबूब होंगे, अल्लाह ताला भी मोहब्बत फरमाएगा और यकीन है आखिरत में भी जो है वो इसका बेहद अजर होगा। अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का सच्चा गुलाम बना दे और अल्लाह ताला सबके ऊपर।